बुधवार को सोशल मीडिया पर कुछ फोटो सामने आए जिसमें बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी को टोनी अशाई के साथ देखा गया। टोनी कैलिफोर्निया आधारित कश्मीर अलगाववादी है जो कश्मीरी युवाओं को भारत के विरुद्ध लड़ने के लिए भड़काता रहता है। एक श्रीनगर आधारित एक्टिविस्ट अल इस्कंदर ने ट्विटर पर ये फोटो डाले और आरोप लगाया कि टोनी अशाई, जिसे अजीज अशाई के नाम से भी जाना जाता है, वह पाकिस्तान के ISI प्रायोजित जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF से जुड़ा हुआ है। इस्कंदर का यह भी कहना है कि अशाई ने शाहरुख खान की दुबई और लॉस एंजलिस स्थित बिल्डिंग्स का डिजाइन किया है। गौरी खान भी अशाई के साथ बहुत सारी परियोजनाओं से जुड़ी हुई है। ट्वीट में इस्कंदर का यह भी कहना है कि अशाई की पढ़ाई से लेकर बिजनेस तक सबको JKLF ने ही फंड किया था। इस्कंदर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ भी अशाई की फोटो डाली है और लिखा कि उसे ISI से वेतन मिलता है और वह जम्मू कश्मीर व देश के अन्य भाग के लोगों से भी संपर्क में है। अशाई का बेटा बिलाल MSA का सदस्य है जिसका संबंध मुस्लिम ब्रदरहुड से है और अशाई के भाई आर्थुर का भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह मोदी जिंदाबाद कहने पर एक व्यक्ति को माफी मांगने के लिए कहता है। इन ट्वीट्स के बाद सोशल मीडिया पर कुछ और भी ट्वीट आए जिसमें अनिल कपूर, सोनम कपूर, करण जौहर और अन्य बॉलीवुड सितारों को भारत विरोधी एक्टिविस्ट के साथ देखा गया। UK आधारित यह पाकिस्तानी बिजनेसमैन अनिल मुसरत है जिसे इमरान खान और पाकिस्तानी सेना का करीबी माना जाता है। कुछ बॉलीवुड सितारे 2017 में उसकी बेटी की शादी में लंदन भी गए थे। इसके अलावा रिहान सिद्दीकी का भी बॉलीवुड से संबंध पाया गया है। यह पाकिस्तानी है और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा के साथ रेडियो चैनल चलाता है। बॉलीवुड समारोह और कंसर्ट आयोजित करके उससे कमाए पैसे का भारत विरोधी गतिविधियों में उपयोग करने के लिए वह भारतीय एजेंसियों के रडार पर भी आया था। इन खुलासों के बाद बॉलीवुड व ISI के संबंधों की जांच की मांग ने सोशल मीडिया पर जोर पकड़ा है। भाजपा नेता बैजयंत जय पांडा ने बॉलीवुड से इन संबंधों को त्यागने का आह्वान किया है।